लॉन्ग हैंड पुलिस थीफ। गुरुग्राम नाम के गांव में बजरंगी नाम का पुलिस वाला रहता था। एक दिन वो अपने जान पहचान के डॉक्टर जयंत के पास गया। डॉक्टर साहब, परसों मैंने जो रिपोर्ट्स दिए थे, मेरे हाथ के बारे में आपको कुछ पता चला? ये क्या बजरंगी, यूं छोटी छोटी बातों से घबरा गए तो पुलिस की नौकरी कैसे करोगे? अरे, कोई छोटा सा कीड़ा काट गया होगा, इसी वजह से तुम्हारा हाथ सूज गया है। अब तो वो सूजन भी कम हो गया है, तुम जाकर अपनी नौकरी करो। ये सुनकर बजरंगी वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए तो बजरंगी का ट्रांसफर पास वाले जेल में हो गया। अब वहाँ का जेलर बजरंगी से, भाई देखो बजरंगी, मैं स्टाफ के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आता हूँ, लेकिन चोरों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। तुम्हें भी वैसा ही रहना होगा। अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। जरा होशियार रहो। यस सर, आप जैसे कहते हैं वैसा ही रहूंगा सर, कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन बजरंगी के अच्छाई को देखकर छोटू नाम का चोर बजरंगी के पास आया। साहब, आप बहुत अच्छे हो, इस जेल के बाकी संतरी सब यमदूत हैं, वो थोड़ी देर भी यहाँ वहाँ जाने नहीं देते, आप मुझे यहाँ वहाँ जाने देंगे ना? यूँ कह रहा था कि तभी एक संतरी वहाँ पहुँचा। ए बजरंगी, इस छोटू का भरोसा ना करो, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके जेल से फरार हो जाता है। जरा चौकन्ना रहो, पहले ही 2-3 बार भाग चुका है जेल से, कहकर वहाँ से चला गया। देखा बजरंगी भैया, कितना अन्याय हो रहा है, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा था, वो भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बस ये कमबख्त दुनिया ही ऐसी है, एक तो जो जुर्म मैंने नहीं किया उसकी सजा काट रहा हूँ, ऊपर से आपसे 2 बातें क्या कर ली, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सब देखकर मेरा जी करता है कि मैं मर जाऊं, कहकर रोने लगा। ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो, जितनी देर मैं बाहर यूं घूमता रहूंगा मेरे साथ तुम भी घूमते रहो, मैं जाकर पानी पी कर आता हूँ, यहाँ से हिलना नहीं, कहकर वो अंदर चला गया। बजरंगी को अंदर जाते हुए देखकर अपने मन में छोटू, बेचारा, मेरे वजह से एक और संतरी की नौकरी जाने वाली है। जब तक वो पानी पी कर नहीं आता मैं दीवार फान कर यहाँ से भाग जाऊंगा, कहकर वो फटाफट दीवार चढ़ने लगा। ये देखकर बजरंगी, ए छोटू, तुरंत नीचे उतरो वरना मुझसे बहुत पिटोगे। अरे पगले बजरंगी, अब तुम मुझे हुकुम देने के पोजीशन में नहीं हो, अब तुम मुझसे रहम की भीख मांगो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो बजरंगी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, बस उसका हाथ लंबा होता गया और सीधा जाकर छोटू को पकड़ा और उसे नीचे उतारा, बस छोटू दीवार से नीचे जमीन पर गिरा। बाद में बजरंगी का लंबा हाथ फिर से साधारण हो गया। ये देखकर छोटू, अरे बाप रे, भूत भूत, कहकर जेल के अंदर भागने लगा। एक संतरी ने ये सब देखा और ये बात जाकर उसने जेलर को बताया। तभी जेलर ने डॉक्टर जयंत को वहां पे बुलवाया। डॉक्टर साहब, ये इसको क्या हो गया है? जो भी हो मुझसे कहिए, कोई बात नहीं, मैं अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करूंगा, नहीं तो हमारी नौकरियां जाती रहेंगी। देखिए जेलर साहब, बजरंगी पहले ही मेरे पास आ चुका है और उसने सारे टेस्ट करवाए हैं, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, कि हाथ का लंबा होना किसी कीड़े के काटने से आया हुआ पावर है, आप उसका फायदा उठाइए। फायदा उठाऊंगा साहब, जरूर उठाऊंगा। बजरंगी, अब से छोटू और उसके जैसे दूसरे चोरों को तुम्हें ही देखना होगा, ये कहीं भी हो इनका गर्दन पकड़कर मेरे पास खींच कर ले आओ। अब बजरंगी ने बाहर आकर अपने लॉन्ग हैंड से दूर खड़े छोटू को पकड़ा और उसे खींचते हुए जेलर के पास ले गया। तब जेलर ने पहले छोटू को खूब मारा, उसके बाद जेलर छोटू से, क्यों बच्चू, दोबारा भागकर हमारी नौकरियां छुड़वा रहे थे, अब देख लो हमारे पास बजरंगी है, तुम जेल के बाहर भी भाग गए तो वो अपने लंबे हाथों से तुम्हें पकड़कर यहाँ खींच कर लाएगा। सर, इस बात का अनुभव मुझे पहले ही हो चुका है, अब मैं दोबारा नहीं भागूंगा, ये तो मेरी किस्मत खराब थी जो बजरंगी इस जेल में आ गया, कहकर वहाँ से रोते रोते चला गया। तब से जब भी कोई चोर जेल से भागने की कोशिश करता, बजरंगी अपने लॉन्ग हैंड से उसे पकड़कर खींचकर वापस ले आता।